CAA NRC प्रदर्शनकारियों पर इनाम घोषित कर दिया गया है। पुराने लखनऊ में कई जगह आरोपियों के पोस्टर लगाए गए हैं। मौलाना सैफ अब्बास सहित 14 अन्य आरोपियों के पोस्टर लगाए गए हैं। 8 प्रदर्शनकारियों को गैंगस्टर के मुकदमे में वांटेड घोषित किया गया है। आरोपियों के घर के बाहर भी नोटिस चस्पा किया गया है। आपको बता दें कि 19 दिसंबर को लखनऊ में CAA NRC को लेकर उग्र प्रदर्शन किया गया था और इसी के चलते अब कई जगह यानी पुराने लखनऊ में कई जगह आरोपियों के पोस्टर लगाए गए हैं। बाकायदा प्रदर्शनकारियों पर इनाम घोषित किया गया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको लखनऊ से बता रहे हैं और जिन लोगों के पोस्टर लगे हैं उनमें मौलाना सैफ अब्बास का नाम भी शामिल है। उनके साथ साथ 14 अन्य आरोपियों के पोस्टर चस्पा किए गए हैं, जबकि 8 प्रदर्शनकारियों को गैंगस्टर के मुकदमे में वांटेड घोषित किया गया है। आरोपियों के घर के बाहर भी नोटिस चस्पा किए गए हैं। 19 दिसंबर को लखनऊ में CAA NRC को लेकर उग्र प्रदर्शन हुए थे। पूरे देश में हालांकि प्रदर्शन किए गए थे और लखनऊ में जिस तरीके की स्थिति बनी थी वो हम सब ने देखा था और अब ये बड़ा कदम उठाया गया है। आरोपियों के घर के बाहर भी नोटिस चस्पा किए गए हैं। हम सीधा रुख लखनऊ का ही कर लेंगे। संतोष हमारे सहयोगी जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। संतोष, ये बड़ा कदम और मुश्किलें अब बढ़ती हुई नजर आ रही हैं उन तमाम आरोपियों की जिन्होंने CAA और NRC को लेकर उग्र प्रदर्शन किया था। देखिए, बिल्कुल उन लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं जिन लोगों ने CAA NRC के लिए प्रदर्शन किया और उस प्रदर्शन की आड़ में हिंसा फैलाई, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। इनमें जो 14 लोगों के जो पोस्टर लगाए गए ये फरार हैं जिनके बारे में तलाश की जा रही है। उसमें सबसे बड़ा अगर नाम कहा जाए तो मौलाना सैफ अब्बास का है। सैफ अब्बास समेत 14 लोगों के पोस्टर लगाए गए हैं। इसमें 8 लोग गैंगस्टर में भी वांटेड हैं, यानी इनके ऊपर गैंगस्टर एक्ट भी लगा है और ये इनाम घोषित किया गया। 5,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया है इन लोगों के ऊपर जिनके पोस्टर लगाए गए हैं। और ये पहली बार नहीं, पुराने लखनऊ में ठाकुरगंज हो, हसनगंज हो, हजरतगंज, कैसरबाग, ये ऐसे थाना, वजीरगंज, इन थाना क्षेत्रों में जब 19 दिसंबर को CAA NRC को लेकर के सड़कों पर प्रदर्शन हुआ तो करीब 100 से ज़्यादा मुकदमे लिखे गए और करोड़ों के, जब सरकार ने कहा कि जो भी संपत्ति का नुकसान हुआ इनसे वसूली की जाएगी, वसूली करने से पहले इनको बाकायदा नोटिस दिया गया। नोटिस देने के लिए इनसे पक्ष मांगा गया कि आप अपना पक्ष भी रख दीजिए, आपको अपनी बेगुनाही साबित करनी है तो आप आइए कि हम उस दिन प्रदर्शन में शामिल नहीं थे। लेकिन तमाम लोग ऐसे थे जिन लोगों ने प्रदर्शन में शामिल ना होने की दलील दी, जिसके बाद प्रशासन ने क्लीन चिट दे दी। लेकिन ये वो लोग हैं जो कि सरकार के पास दलील देने भी नहीं पहुंचे या दलील देने भी पहुंचे तो इनके खिलाफ सबूत पुख्ता थे और जिसके बाद से अब इनको इनामी घोषित किया गया, ये फरार घोषित किए गए। अब पुराने लखनऊ में खास करके इनका अपना जो जिस इलाके में ये रहते हैं इनके घरों पर पोस्टर लगाए गए। सरकार के द्वारा एक बड़ा कदम उठाया गया पुराने लखनऊ में उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने CAA और NRC को लेकर के हिंसक प्रदर्शन किया था। जी बिल्कुल संतोष, और इससे पहले भी जब इस तरीके का कदम सरकार ने उठाया था तो सियासत बहुत गरमाई थी। अब देखने वाली बात यह है कि इन पोस्टर्स के बाद सियासत उत्तर प्रदेश में क्या रुख लेती है। शुक्रिया आपका संतोष, तमाम जानकारी के लिए।